हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन दिस क्रेश फोरम ऑनलाइन क्लासेस। अब पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो देखा था वो था कि किस तरीके से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट वर्कआउट करता है, और उसके सारे पार्ट्स हम लोगों ने देखे थे। पार्ट्स में फोर बे, स्पिल बे गेट, ट्रैश रैक, पेन स्टॉक, सर्ज टैंक, टर्बाइन और टेलर्स और ड्राफ्ट हम लोगों ने देखा था। इसकी डिटेल वर्किंग हम लोगों ने देखी थी, साथ में इन लोगों की इन पार्ट्स की पिक्चर्स भी हम लोगों ने देखी थी कि किस तरीके से मतलब ये पिक्चर्स में रहते हैं, दिखते हैं। अब इस टॉपिक को मैंने आगे टरबाइन मेरे को कराना था। टरबाइन चालू करने से पहले एक क्लास मैं आपको दो छोटे टॉपिक मेरे को ख़त्म करने हैं, पम्प्ड स्टोरेज प्लांट और रन ऑफ रिवर प्लांट। ये पम्प्ड स्टोरेज प्लांट क्या होता है और रन ऑफ रिवर प्लांट क्या होता है। अब आप एक चीज़ समझिए, कई पेपर में ये पम्प्ड स्टोरेज प्लांट पूछा जा चुका है, कई जेई के पेपरों में पम्प्ड स्टोरेज प्लांट पूछा जा चुका है। ये पम्प्ड स्टोरेज प्लांट होता क्या है और इसका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट से क्या रिलेशन है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट जिस तरीके से हम लोगों ने देखा था कि ऊपर जो रिजर्वायर से पानी आके नीचे टेल रेस के द्वारा आगे चला जाता है, आगे जहां पर भी इरिगेशन के लिए चाहिए होता है वो चला जाता है। पम्प्ड स्टोरेज प्लांट भी एक तरीके का हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट ही होता है, तो कोई नई बात आप लोग नहीं सीख रहे हैं। अंतर क्या होता है बेसिक, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए, पम्प्ड स्टोरेज प्लांट में और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट में अंतर क्या चीज होती है वो समझिए। वही फोर बे होता है, डैम होता है, पानी नीचे आता है पेनस्टॉक द्वारा, फिर पेनस्टॉक द्वारा या टर्बाइन पर हिट करता है। यहाँ टेल रेस में जो होता है, यहाँ पर एक लो रिजर्वायर बना रहता है, एक लोअर रिजर्वायर बना रहता है, मतलब एक वो जगह बनी रहती है जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है। मतलब यहां पर पानी को आगे नहीं बहाया जाता है, यहां पर पानी पहले से ही इकट्ठा रखा जाता है। मतलब ये पहली चीज, पम्प स्टोरेज प्लांट एक पीक लोड डिमांड प्लांट है। मतलब जब एकदम से आपको कुछ समय के लिए, मैंने क्या कहा, कुछ समय के लिए अगर आपको एक्स्ट्रा डिमांड आ गई है तब के लिए ये पावर प्लांट यूज होता है या चालू किया जाता है। इसमें क्या होता है, हम लोग कुछ क्वांटिटी का वाटर पहले से सेव करके रख लेते हैं, पहले से इकट्ठा करके रखते हैं, ताकि जब एकदम से हमको जरूरत पड़े। मैं एग्जांपल भी अभी दूंगा कि एकदम से जरूरत कैसे बात कह रहा हूं। कुछ प्लांट हम कुछ जो वाटर है हम एक स्टोर करके रखते हैं, यहाँ पर एक ऐसा एरिया बनाते हैं आर्टिफिशियल जिसमें वो वाटर स्टोर करके रहेगा, और फिर जब पानी नीचे गिरेगा या इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी, ये वाटर इतना स्टोर करके रखते हैं कि जितनी भी मतलब एक्स्ट्रा डिमांड उस एरिया में आ सकती है। हमें मालूम है कि इसे 5 घंटे चलाना है, तो 5 घंटे में कितना वाटर लगेगा उसे कैलकुलेट करके उतने वाटर का एरिया आर्टिफिशियल बना के हम इसे चालू करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा लेते हैं। मतलब मौके वारदात पर चलाते हैं इसे। मौके वारदात पर चलाते हैं का क्या मतलब है, समझिएगा इस चीज को। होता क्या है कि कभी कभी हमको क्या जरूरत पड़ती है कि एकदम से पीक डिमांड आ जाती है। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं, देखिए सुबह 6 से 10 की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ डिमांड इलेक्ट्रिसिटी की उतनी नहीं होती है। बात करें 10 से 6 की तो डिमांड सबसे ज़्यादा हाई होती है। मतलब 10 से 6 सारे ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ये सब खुले हुए होते हैं एक्सेट्रा, और फार्मिंग वगैरह भी, मतलब खेती बाड़ी लोग करते हैं, पानी लगाते हैं, तो इस तरीके की चीज़ें आपकी मान लीजिए 10 से 6 हो रही हैं। अब जब ये 10 से 6 हो रही हैं तो हो क्या रहा है कि इस समय बहुत ज़्यादा लोड आ चुका है पावर प्लांट पे। अब मान लीजिए आपका पावर प्लांट 100 मेगावाट का आपका एरिया, मतलब आपके यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो 100 मेगावाट का प्लांट, मैं ये मिटा देता हूँ, ये बादल जो मैंने बनाए हैं क्लाउड में मिटा देता हूँ। मान लीजिए 100 मेगावाट का प्लांट है, ठीक है। अब आपका 10, मान लीजिए आपका जो पावर प्लांट है 100 मेगावाट का है, दिन में आपका 10 से 6 सुबह 6 AM से 10 AM
मान लीजिए 40 मेगावाट की खपत रहती है, क्योंकि सुबह इतनी खपत रहती नहीं है, और 10 से 6 पीएम तक मान लीजिए आपकी खपत जो रहती है वो 110 मेगावाट हो जाती है। और फिर आप देखिए जैसे जैसे ऑफिसेज बंद होने लगते हैं, देखो हॉस्पिटल तो हमेशा चलते रहेंगे, चाहे दिन हो चाहे रात हो, हॉस्पिटल में ऐसा तो हो नहीं सकता कि ऑपरेशन क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से करें कि नहीं भाई ऑपरेशन अभी लाइट ज़्यादा खपत हो रही है मत करो। तो मान लीजिए 6 के बाद ऑफिस बंद होने लगते हैं, स्कूल्स बंद होने लगते हैं 4 बजे के बाद, तो कहीं ना कहीं लोड गिर के मान लीजिए आपका 60 पे आ गया 10 पीएम तक। अब इसे वैसे लोड कर्व कहते हैं जिसमें पावर और टाइम को लेके हम बनाते हैं, ये लोड कर्व हम लोग आगे पढ़ेंगे वो एक अलग बात है। अब सबसे बड़ी चीज़ देखिए, अभी मैं लखनऊ मेट्रो का पेपर एनालाइज कर रहा था, अभी लखनऊ मेट्रो के पेपर में इन सब की नाम पूछे गए थे कि मतलब उसमें आपके 4 ऑप्शन थे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट के क्वेश्चन में, और उसमें ये पूछा गया था कि सर्ज टैंक इनमें से किस पावर प्लांट का पार्ट है, तो न्यूक्लियर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ये सब ऑप्शन में दिए हुए थे। अब आ जाते हैं फिर से इधर लोड कर्व पे। तो ये लोड कर्व हमारा नाम से पता चल रहा है, लोड कर्व ये बताता है लोड के बारे में समय के रिस्पेक्ट में कि किस टाइम पे कितना लोड बनता है। अब आप एक चीज़ देखिए, 10 से 6 110 मेगावाट का लोड है, कहीं ना कहीं हमारे पास 100 मेगावाट ही पैदा हो पाती थी और ये 110 पे पहुंच गई गाड़ी। अब क्या इसके हिसाब से 110 के हम लोग थोड़ी ना प्रोडक्शन करेंगे? आप मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ कि हमें मालूम है कि मान लीजिए इस सिटी के अंदर 110 तक हाईएस्ट लोड जाता है, मतलब पीक लोड बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं पीक लोड, मतलब पीक लोड 110 है। तो हम लोग पीक लोड के हिसाब से पावर प्लांट कभी नहीं बनाते, हम लोग पावर प्लांट बनाते हैं कहीं ना कहीं जैसे 100 मेगावाट का पावर प्लांट है, हम उसे भी ऑपरेट कराएंगे 80 मेगावाट 90 मेगावाट तक, ताकि वो स्टेबली ऑपरेट करे। अब अगर वो मान लीजिए स्टेबली अगर हम उसे 100 पे चलाना शुरू कर दें तो उसके कई चांसेस होते हैं कि वो अनस्टेबल हो जाए। इसका एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, जैसे बाइक है, बाइक के अंदर 200 की स्पीड दे रखी है, किसी भी कंपनी की आप बाइक ले लीजिए 200 स्पीड दे रखी है, तो कभी उस बाइक को 200 स्पीड पे नहीं चलाते हैं। आप देख लीजिएगा ना वो बाइक 200 स्पीड पे चलती है, क्योंकि उस बाइक में 200 स्पीड पे चलेगी तो अनस्टेबिलिटी का खतरा हो सकता है, आप पे कंट्रोल नहीं हो पाए, और ना वो 200 तक कभी पहुंचेगी, उसकी जो निडल होती है वो कभी 200 तक नहीं पहुंचेगी, वो बाइक भी 200 तक नहीं कभी पहुंचेगी स्पीड तक, पर उसमें फुल स्पीड 200 दे रखी रहती है। सेम ऐसे ही कि ये 100 मेगावाट का प्लांट है, इससे 100 मेगावाट पे आप चलाएंगे तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 100 मेगावाट वाले प्लांट को भी हम लोग 80 पे ऑपरेट करते हैं, तो अब बची बात कि भाई 10 से 6 सप्लाई तो देनी है सबको, तो अब क्या हमारे पास मौका, अब क्या मतलब हम इजाद कर सकते हैं या क्या मदद कर सकते हैं? आप ऐसे सोचिए, इंडस्ट्री में जब इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा मतलब मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा बढ़ जाती है तो लोग जनरेटर चालू कर देते हैं ना, बस यही चीज़ पीक लोड डिमांड होती है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए 80 तक तो ये सप्लाई कर देगा, मान लीजिए या चलो 100 तक भी सप्लाई कर दिया, तो 20 लोड जो 10 लोड 10 मेगावाट एक्स्ट्रा आ रहा है, इसके लिए तो आपको कुछ चलाना पड़ेगा। सेम पीक लोड पावर प्लांट कहलाते हैं ऐसे पावर प्लांट जो जब एकदम ज़रूरत आ जाए, पीक की ज़रूरत आ जाए, तो उस ऐसे पावर प्लांट जो पीक के समय पे ही चलाए जाएं, ऐसे पावर प्लांट को कहते हैं पम्प्ड स्टोरेज पावर प्लांट, पम्प्ड स्टोरेज प्लांट कहते हैं। और वो पावर प्लांट जो बेस लोड पे करें, हम लोग डिटेल में करेंगे इस टॉपिक को, वो पावर प्लांट जो बेस लोड पर ही चलेंगे, उन्हें पीक लोड से कोई मतलब नहीं है, वो पावर प्लांट जो बेस लोड पे चलते हैं, बेस लोड मतलब आमूमन लोड, जो नॉर्मली हम सप्लाई जो नॉर्मली चलता है। अब जैसे एक चीज़ देखो, 110 तो ये केवल 10 से 6 पे जा रहा है ना, अदरवाइज नॉर्मली तो 70-80 तक एवरेज मान लो, 80 तक एवरेज मान लो आप, तो कहने का मतलब ये जो 80 मेगावाट या 100 मेगावाट तक भी मान लो आप, तो इसको हम कह देंगे बेस लोड कि हम भैया इस लोड के लिए तो तैयार है, बट अगर इससे भी ऊपर चला जाएगा वो होगा पीक लोड। ये चीज़ दिमाग में रख लीजिए, हम लोग वैसे इसको डिटेल में करेंगे। तो बेस लोड के कौन से पावर प्लांट हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट बेस लोड का ही है, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट बेस लोड का है, क्योंकि ये अमूमन सप्लाई तो इन्हीं से ही आ रही है। पम्प्ड स्टोरेज पावर प्लांट
रन ऑफ रिवर पावर प्लांट, रन ऑफ रिवर अगला टॉपिक हमारा वही रहेगा, रन ऑफ रिवर पावर प्लांट। ये सब वो पावर प्लांट है जो कहीं ना कहीं, रन ऑफ रिवर पावर प्लांट वो पावर प्लांट है जो कहीं ना कहीं, और पंप स्टोरेज पावर प्लांट जो यूज होते हैं पीक की तरह, पीक पावर प्लांट की तरह, मतलब एकदम जब पीक होगा तभी इन्हें चालू किया जाएगा ताकि ये पीक लोड पर कुछ घंटे चल के सप्लाई आराम से दे दे। इतना पॉइंट क्लियर है सबको? तो ये है पंप्ड स्टोरेज पावर प्लांट का कमाल, याद रखिएगा ये चीज। पंप्ड स्टोरेज पावर प्लांट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट जैसा ही होता है। अंतर क्या है? अंतर ये है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट में नीचे कोई रिजर्वॉयर नहीं बनाया जाता था, नीचे पानी को इकट्ठा नहीं किया जा सकता था या ना किया जाता था, नीचे हम पानी को बहा देते थे। बट पंप स्टोरेज पावर प्लांट में ऐसा नहीं होता, नीचे भी हम एक एरिया बनाते हैं, जितना ऊपर होता है जहाँ पे पानी भरा हुआ रहता है उतना ही एरिया नीचे बनाते हैं ताकि जब ये पावर प्लांट चले तो जितना पानी ऊपर से नीचे जाए वो पानी नीचे जमा हो जाए। अब आप सोचेंगे कि ये पानी जमा करके करना क्या है? ये पानी, अब आप एक चीज देखिए, 10 से 6 आपने मान लीजिए पीक लोड पावर प्लांट चलाया, आपने यहाँ से यहाँ पानी, आपने मान लीजिए इतना पानी यहाँ पर 4 बे में भर रखा था कि 4 बे में जो पानी इकट्ठा था वो 10 मेगावाट बिजली जनरेट कर देता था 10 से 6 चल के। अब जब 10 से 6 चल गया, अब अपनी आप लोड कितने पे आ गया? 60 मेगावाट पे आ गया। तो अब इसे तो आप कर देंगे बंद, बट जब अगले दिन की बारी आएगी तो पानी तो यहाँ पे खत्म हो गया क्योंकि हमने आर्टिफिशियली यहाँ पे तैयार किया था, तो अब दोबारा से पानी कहाँ से लेके आएंगे? अब इसी पानी को हम, जो नीचे इकट्ठा किया है उसी पानी को हम यूज कर देते हैं, इसी पानी को हम नीचे से ऊपर लेके आ जाते हैं। तो जो सबसे बेसिक डिफरेंस है पंप्ड स्टोरेज पावर प्लांट का और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट का वो ये है कि यहाँ पर टर्बाइन या कह लो ये जो जनरेटर है ये एक्ट एज अ कैसा करता है? एक्ट एज अ मोटर एक्ट करता है एट द टाइम ऑफ बेस लोड, मतलब या कह लो ऑफ सिचुएशन, एट द टाइम ऑफ सिचुएशन मतलब बंद समय पर, जब ये पावर प्लांट बंद हो जाता है, 10 से 6 आपने चलाया, 10 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी पैदा हुई, अब ऊपर से जितना पानी था वो सब नीचे आ चुका है, अब क्या करेंगे? देखो 6 से 10 या फिर बाकी के समय पे लोड अपने आप कम हो गया है तो ये पावर प्लांट तो वैसे ही बंद हो गया था, अब इनको तो जो हमारे बेस लोड पावर प्लांट है वही सप्लाई दे देंगे, थर्मल वाली काफी है या फिर न्यूक्लियर वाली काफी है, हाइड्रो वाली काफी है। तो उस समय पे ये तो क्या है, उस समय पे तो इनफैक्ट जो बेस लोड पावर प्लांट है वो खुद ही 100 मेगावाट पैदा कर रहे थे, 60 मेगावाट का तो यूजेज है, इसका मतलब 40 तो फिर भी बच रही है। तब हम ऐसे में क्या करते हैं, इन पंप्ड स्टोरेज पावर प्लांट के ये जो टर्बाइन होते हैं जो जनरेटर से लिंक्ड है, इस टर्बाइन को या इस जनरेटर को जनरेटर की तरह ना ऑपरेट करा के मोटर की तरह ऑपरेट कराते हैं, मतलब उल्टी डायरेक्शन में ऑपरेट करा देते हैं। उल्टी डायरेक्शन में ऑपरेट करने से जो नीचे का पानी है वो ऊपर चढ़ जाता है, और जब ऊपर का पानी, और जब नीचे से लोअर रिजर्वायर से पानी ऊपर आ जाएगा तब होता यह है कि जब नीचे से पानी ऊपर आ जाएगा दोबारा तो अगले दिन के लिए जब फिर से 10 से 6 बजेंगे तो ये पानी यहाँ पर हमारे पास पहले से होगा। तो ये पावर प्लांट पंप्ड स्टोरेज पावर प्लांट कहलाता है। आप लोग फोटो देख सकते हो कि किस तरीके से लोअर रिजर्वॉयर, आप देखिए लोअर रिजर्वॉयर किस तरीके से नीचे बना हुआ है, जबकि नॉर्मल पावर प्लांट में लोअर रिजर्वॉयर नहीं था, नीचे पानी इकट्ठा करने की जगह नहीं थी। तो पंप्ड स्टोरेज पावर प्लांट की मैं दो बातें फिर से कंक्लूड कर देता हूं, इंपॉर्टेंट बातें। पहला, ये पावर प्लांट एक पीक लोड पावर प्लांट है, एक कम समय के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरा ये पावर प्लांट एक बहुत ही क्या छोटा पावर प्लांट होता है, आप इससे बहुत ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते हो। तीसरा पॉइंट ये है कि यहां पर जो आपका टर्बाइन है जनरेटर ना बनके मोटर की तरह भी एक्ट करता है। तो ये क्वेश्चन सवाल पेपर में पूछ लिया जाता है, इन विच काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, कौन से प्रकार की विद्युत ऊर्जा उत्पादन में जनरेटर एक्ट एज अ मोटर, जनरेटर मोटर की तरह काम करता है। तो पंप्ड स्टोरेज पावर प्लांट में ये मोटर की तरह काम करता है टर्बाइन।
ठीक है, इतना पॉइंट। डायग्राम सेम रहेगा, बिल्कुल सिमिलर रहेगा। अब मैं बात करता हूँ रन ऑफ रिवर की। चलते हैं हम अपने अगले पावर प्लांट पे, चलते हैं हम अपने अगले पावर प्लांट पे, रन ऑफ रिवर। अब देखिए, उसको चालू करने से पहले मैं इसे मिटा देता हूँ। रन ऑफ रिवर क्या होता है बता देता हूँ। तो देखिए, रन ऑफ पावर प्लांट के बारे में बात बता दूं, ये भी एक तरीके का पीक लोड पावर प्लांट है। मैंने आपको बताया पीक लोड पावर प्लांट और बेस लोड पावर प्लांट दो अलग अलग तरीके के पावर प्लांट होते हैं। पिछले लेक्चर में शायद वो जो मैंने लोड कर्व बनाया था वो थोड़ा सा ढक गया था, मैं उसको दोबारा से एक यहाँ बना देता हूँ। मैंने आपको ये समझाना चाह रहा था कि अगर 100 मेगावाट का मान लीजिए मेन मैक्सिमम डिमांड है आपकी 100 मेगावाट की, और ये मान लीजिए सुबह 10 से 6, ये 6 से सॉरी सुबह 6 से 10 AM और 10 से ये मान लीजिए शाम PM तक है, फिर ये मान लीजिए सुबह 6 AM तक है। अब मान लीजिए ये जाहिर सी बात है रात में कम हो जाता है थोड़ा सा, तो मान लीजिए ये आपका जब पीक लोड गया तो 110 तक पहुंच गया, मान लीजिए 10 से 6 तक 110 मेगावाट तक पहुंच गया। मान लीजिए सुबह 60 मेगावाट है, फिर 40 मेगावाट है 6 से सुबह 6 तक, शाम 6 से सुबह 6 तक, और सुबह 6 से अगले दिन 10 बजे तक, वो सुबह 6 से सुबह 10 तक आपका देखिए सुबह 6 से सुबह 10 बजे तक कितना है 60 मेगावाट, ये 60 मेगावाट है, और शाम का ये 40 मेगावाट है, शाम 6 से अगले दिन सुबह 6 तक, और मान लीजिए शाम और ये सुबह 10 से शाम 6 तक आपका 110 है, तो ये कहीं ना कहीं 10 मेगावाट, ये जो ये 10 मेगावाट है ये एक्स्ट्रा जा रहा है, ये 10 मेगावाट कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा जा रहा है, क्योंकि ये 10 मेगावाट हम लोग इसलिए कह रहे हैं एक्स्ट्रा जा रहा है क्योंकि 100 मेगावाट तक ही हमारा बेस लोड पावर प्लांट सप्लाई करने वाले थे। 100 मेगावाट तक ही मान लीजिए हमारा थर्मल पावर प्लांट पैदा करता था, अब बाकी का बचा बट दिन में सुबह 10 से शाम 6 तक मान लीजिए 110 मेगावाट की खपत होने लगती है किसी सिटी के अंदर, तो हम फिर उसे कैसे करेंगे चालू, हम अलग से और पावर प्लांट जोड़ेंगे, और वही था पंप स्टोरेज पावर प्लांट। सेम ऐसी रन ऑफ रिवर पावर प्लांट होता है। देखो एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो पंप स्टोरेज पावर प्लांट है ये नो डाउट एक तरीके के छोटे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट होते हैं, मतलब स्मॉल वर्जन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट मान लीजिए, तो हर जगह नहीं बनाए जा सकते, ना रन ऑफ रिवर हर जगह बनाया जा सकता। अब आप लोग रन ऑफ रिवर की फोटो देख रहे होंगे किस तरीके से, देखिए फोटो फ्लैश हो रही है आपके सामने किस तरीके से रन ऑफ रिवर वर्क कर रहा है। बहती हुई बहुत तेजी से जब रिवर आती है, मतलब नेचुरली हाइट से ऊपर से देखिए किस तरीके से, देखिए ऊपर से हाइट से बहती हुई रिवर आ रही है, हमने उसका रूट डाइवर्ट कर दिया रिवर का और थोड़ा सा पानी दूसरे रास्ते से लेके आते हुए वहां पर टर्बाइन लगा दिया ताकि वो घूमता रहे और वो पानी दोबारा से उसी रूट में जोड़ दिया। तो ऐसा पावर प्लांट रन ऑफ रिवर पावर प्लांट होता है, ये उन जगहों पे इस्तेमाल होता है जैसे छोटे कोई दूर दराज कहीं पर, मान लीजिए आप बहुत जैसे पहाड़ों पे कहीं गए हैं, बहुत दूर मतलब ऊंचाई पे गए हैं पहाड़ों पे, अब वहाँ पर मान लीजिए कुछ लोग बस गए हैं, लोग बस जाते हैं अक्सर, आप कभी जाना घूमने तो लोग क्या होता है 20-25-30-40-50 लोग जो है बस जाते हैं वहाँ पे रहने लग जाते हैं। अब उनके लिए वहाँ तक ट्रांसमिशन लाइन पहुँचाना तो मतलब खर्चे की बात हो जाती है बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट्स के लिए, पर वहाँ पर बिजली प्रोवाइड करनी है तो उन्हें कैसे बिजली प्रोवाइड करते हैं, रिवर तो देखो 24 घंटे बहनी बहनी है, वो क्या करते हैं रिवर का रूट डाइवर्ट करके टरबाइन से वहाँ बिजली पैदा कर देते हैं। तो इस तरीके से वहाँ उन लोगों को बिजली पैदा होना शुरू हो जाती है। ये होता है हमारा रन ऑफ रिवर पावर प्लांट, केवल और केवल पीक लोड पावर प्लांट के समय पे काम आता है ये, कब मैं कह रहा हूँ सुनना बात।
तो जब क्या होता है कि मान लीजिए वहां 30 40 50 लोग रह रहे हैं, अब रन ऑफ रिवर से मान लीजिए 50 मेगावाट बिजली जनरेट हो रही है या 10 हो रही है मान लीजिए, चलिए उन 50 लोगों को इतनी जरूरत ही नहीं है, पर वो पावर प्लांट की बिजली, वो वहां पे पावर प्लांट ये सोच के बना दिए हैं कि मान लीजिए कि हमें जब सिटी में जरूरत पड़ेगी तो वहां से हम लोग तार खींच के अपने यहाँ भी उसका यूजेस ले लेंगे। तो ये कई फायदे होते हैं, और ये पीक लोड वाला, इस पर पीक लोड वाले पावर प्लांट पे हम कभी निर्भर नहीं रहते कि नहीं यार ये पैदा करेगा तभी हमारे घर बिजली आएगी, नहीं, पर थर्मल पर रहते हैं, न्यूक्लियर पर रहते हैं कि नहीं यार ये पैदा, हाइड्रो पर रहते हैं कि नहीं यार ये इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेंगे तभी हमारे घर पर आएगी। तो रन ऑफ रिवर और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट, ये इस तरीके के अच्छे पावर प्लांट होते हैं, ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। अब हम लोग अपना अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, टर्बाइन। क्लियर है इतना पॉइंट? तो टर्बाइन हम लोग शुरू कर रहे हैं और टाइप्स ऑफ टर्बाइन हम लोग देखेंगे कि कितने अलग अलग टाइप्स के टर्बाइन।